है ना, ए साइन 360 साइन जीरो, मतलब साइन जीरो जीरो, साइन 180 जीरो, साइन 360 जीरो। एक्चुअली हो क्या रहा है, तुम लोगों को ये बात पता है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस होते किसको, हालांकि तुम लोगों को फंक्शन नहीं पढ़ा है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो होता है जो फंक्शंस कुछ कुछ वैल्यूज को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे रिपीट करे। अरे वो पीरियोडिक मोशन नहीं पढ़ा फिजिक्स में, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, तो वैसे ही पीरियोडिक, पीरियोडिक वर्ड रिपीट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मान ले साइन, साइन थीटा है, साइन, साइन इसका ग्राफ मालूम है ना सबको, वैसे वाला। हाँ तो सोचो ना थोड़ा सा, सोचो ना तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला अपना जीरो, ये जो अपना, अच्छा ये वाला क्या पाई बाई टू, साइन 90 कितना होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ओके, लगता है ये इसका पीक वैल्यू। समझ आ रहा क्या, दिख रहा तुझे वहां से? मेरे तो शिव को बगल में आ सकता है। अच्छा तो ये देख, साइन 180 होगा क्या, क्योंकि वो वापस जीरो हो गया होगा। अच्छा अभी 270 बात किया ना, वही क्या माइनस वन, फुल रिसर्च 3π/2। ओके अच्छा साइन 360 कितना है, वो भी माइनस वन है ना, फिर ये माइनस पाई, अच्छा अच्छा ये शायद है 5π/2, ढाई पाई, ये है क्या 3π। कहां कहां जीरो है पढ़ो, पहले भी ऐसे नहीं पढ़ो, पाई भी पढ़ो, जीरो पाई, वन पाई, टू पाई, आगे बोलो कहां कहां जीरो होगा, फोर पाई, फाइव पाई, है ना, एपी है क्या, तो लास्ट टर्म क्या होगा? अरे ऐसा नहीं है, हाँ मतलब ठीक है, उसमें तो एक सीरीज पकड़ते हैं, इसका लास्ट टाइम एन पाई होगा ना, एन जब, अरे माइनस में जाता है वो सीरीज, वैसे एपी में मत पकड़ लेना नंबर ऑफ टर्म को, क्या मैंने दस लोगों को फील दिया है कि हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। एक्चुअली चैप्टर का नाम है जनरल सॉल्यूशन, ये इसका पुराना नाम है, पहले इसको यही नाम से बोला जाता था, पता नहीं क्यों इक्वेशन बोल रहे हैं, इसमें ज्यादा फील आता है। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब होता है कि एक साइन जीरो, हम लोग जीरो बोलते हैं है ना, साइन जीरो का वैल्यू जीरो बोलते हैं, बट क्या सिर्फ जीरो में ही जीरो देता है, तो बहुत जगह रिपीट करता है। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, एक्चुअली में तो तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए ना, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, शैल आई राइट थीटा इक्वल टू जीरो और एन पाई, व्हाट एवर एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू मे हैव, है ना, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है। सोच इफ cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 होगा तो, हालांकि मैं इसका सारा फार्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन इस चैप्टर का सारा फार्मूला प्रूव करके सीखे है ना, प्रूव करने से फील आता है। cos थीटा 0 कब होगा रे, पहले बता cos का ग्राफ मान लो, गुड, अरे ऐसे ऐसे कैसे, अच्छा ऐसे चलो ऐसे मूव करो, तो ग्राफ कैसे आएगा ऐसे क्या, अरे गलत नहीं बोला, देख रवि उसे ऐसे थोड़ा धकेले, कितना धकेला, 90 पाई बाय 2 डिस्टेंस धकेला है ना, तो ये अपना जीरो हो गया, तो ये क्या अपना पाई बाय 2 हो गया। अब तुम्हें इसका एकदम फील आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब वेव्स पढ़ोगे ना तो 100% यही सब काम है, ये अपना पाई 100-200% यही सब काम है ना, 3π/2 अपना 2π। अब बता cosec 0 कब कब होगा, तू बोल सकता है तो माइनस पाई, अरे बोलो ना, गलत, पाई बाई टू पे, 3π/2 पे, 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है क्या, जनरल वे बताओ ऑड नंबर का, जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं, 2n प्लस 1, हाँ तो 2n+1 पाई बाई टू, अरे 2n+1 × π/2, अब n का वैल्यू तुम बैठा लो, एक मिनट क्या 2n-1 नीचे लेगा,
क्या वो भी ऑड नंबर? कई कई बुक में 2n माइनस 1 होता है, कई बुक में 2n प्लस 1 होता है। अब देखो झगड़ना नहीं है, दोनों सही है, n का वैल्यू डिपेंड करता है। सोचो ना, देखो इसमें भी कई स्टूडेंट लोग डाउट पूछते हैं, सर 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1? अरे कुछ भी लिखो ना, क्यों? क्योंकि अच्छा मैं लिख रहा हूं 2n प्लस 1, n को क्या मानो? 0। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला 0 किसमें आया था? पाई बाई 2 में। n में क्या डालेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। लेकिन सोच कि अगर मैं 2n माइनस 1 लिखता तो n में क्या डालना पड़ता जो पहले पाई बाई 2 आता? 1। कुछ समझना चाहिए ना। अरे बुक में लिख देते, कौन सा खास बात है? थीटा इक्वल टू एन प्लस वन पाई बाई टू कॉमा एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब इसमें क्या खास बात है? होल नंबर बोल रहे हैं, और ये कहां से स्टार्ट होगा? एन बिलोंग्स टू नॉर्मल पर। समझ में आया? डरा में फॉर्मूले लिखे होते थे 10%। अच्छा अब तुम्ही लोग 10 के ग्राफ मालूम है? ग्राफ मालूम है तो बहुत ताकत है। 10 के ग्राफ मालूम है? हाँ वैसे कुछ tan थीटा नहीं मालूम तो पता कर ले। अभी tan थीटा इक्वल टू 0। अरे tan का ग्राफ ग्राफ में को पता होना चाहिए। tan का ग्राफ मतलब लगभग लगभग ऐसे। जीरो। अच्छा टेन नाइनटी कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ग्राफ मेक सेंस। टच किया कैसे? अरे चलते जा रहे, चलते जा रहे। टच कर देता तो वाई एक्सिस पे वैल्यू आ जाता, लेकिन वो तो वैल्यू नहीं आएगा ना। चलते अच्छा टेन 180 क्या बात कर रहे? 2 × 90 + 0 थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव। नो चेंज। एनजीओ कितना? सी सी चेंज सी में माइनस। अरे राजीव समझ में तो आ रहा ना? डर नहीं लगना चाहिए। बताओ टेन कब कब जीरो दे रहा है तुम्हें? दिख गया नहीं? और इवन नंबर के लिए कहां है? ये भी वही है ना, देख जीरो। अच्छा यार गलती से जीरो लिख दिया, पाई। अच्छा अच्छा जीरो पाई टू पाई थ्री पाई, क्या साइन जैसा ही? हाँ हाँ आंसर वही। थीटा इक्वल टू एन पाई। अरे आए किस में टफ है क्या? क्या कर उतार लो पाई बाई टू। अच्छा टेन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू ठीक। उसके बाद निकाला गया फॉर्मूला। अब फिर साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया, अच्छा जीरो पे तो हम लोग जनरलाइज कर लिए। मान लिया अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, क्या हाफ भी बहुत जगह आता है? अरे सब कुछ बहुत जगह आता है। हाफ तुम साइन 210 बताओ, साइन 210 बोल सकते हो? अच्छा साइन 150 बोल रहे हाफ है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ना, तो मतलब वहां पे भी हाफ है, तो साइन इसका भी जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो साइंटिस्ट लोगों ने लिखा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से आता है। इसी का फॉर्मूला पूरा चैप्टर में थोड़ा अटपटा है। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन मोड टू पावर एन इंटू अल्फा, इतना बयाना है। ये इसका जनरलाइज सॉल्यूशन है। वो सब छोड़ो, देखते हैं इसको कहां से आता है। पूछ रही साइन थीटा अच्छा इक्वल टू साइन अल्फा, तुम लोग बताओगे क्या? तुम लोग इसको साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो कर सकते हो क्या? अरे इसको साइन सी माइनस साइन डी लग सकता है क्या? सिंपल लगाओ साइन सी माइनस साइन का फॉर्मूला बोलो। तुम लोग मुक्का मांगे तेरे को, कॉस के सामने होता है 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अच्छा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू जीरो। अच्छा एक बात, तुम लोग
अगर मैं लिखता हूँ टू दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, वो भी कर सकते ना अलग से, आइदर हम लिख सकते हैं cos of theta plus alpha by 2 equal to 0. लेकिन क्या तुम्हें ये पता है cos theta equal to 0 कब होता है? अभी तो पढ़ के आए. ए है ना 2n+1. हाँ तो बस तो इसे ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा लगता है theta plus alpha by 2 equal to क्या 2n+1 into पाई बाई टू, ये टू ये टू कैंसिल आउट हुआ, थीटा बराबर क्या मिला 2n+1 इनटू पाई माइनस अल्फा. क्या ये एक केस है? क्या एक और केस है? वो कौन सा केस है? क्या आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो, मतलब क्या अंदर वाला पार्ट इक्वल टू एन पाई हो सुबह सुबह सो रहा है, थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू n pi, तो theta equal to क्या 2n pi plus alpha. अब सुने ध्यान से, ये दोनों को हम लोग combine करके ये लिखते हैं. अब वो कैसे लिखा? क्या ये 2n pi even number? क्या ये 2n plus 1 pi odd number? Sure, दोनों को generalize करके minus 1 to the power n दिया गया. अब तुम n का वैल्यू यहाँ पे इवन और ऑड डालो, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा. n का वैल्यू तुम एक इवन नंबर डाल दे तो क्या आएगा n पाई प्लस अल्फा, एक बार आएगा n पाई माइनस अल्फा. समझ में आ रहा है? इन दोनों को कंबाइन करके उसको डाला गया. इसमें थोड़ा कम फील आया है, बट इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा फील कम आता है, बट आपको इसे थोड़ा सा याद रखना. ठीक है सर, कंबाइन करके उसी ने तो वर्बली बोला, क्योंकि बाकी सारे जो फॉर्मूला है ना वो मुझे कंबाइन करके दिखाइए तो बोलेगा ही नहीं. मैं तो पहले ही बोला कि इस फॉर्मूला थोड़ा सा कम फील आता है. ठीक है, बाकी सारे प्रूफ्स देखो तो. अच्छा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा भी हो सकता है क्या? cos में भी तो हो सकता है जनरल सॉल्यूशन. बताओ क्या लिखा जाए, तुम लोग बोलिए. क्या cos थी माइनस cos डी, cos माइनस cos का फॉर्मूला बोलिए, tan थी माइनस tan डी क्या होगा? अरे उसको तो ले जाएंगे ना. फॉर्मूला नहीं याद है बोल. अरे नहीं पता तो देख के बोलो ना. अरे अबे होता ही नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं. मन पूरा टेंशन में, साला कोई से पूछेगा ये कहां छूट गया पूरा तो नहीं है. अबे टेंशन है नहीं होता है, बट आपको लेकर जाना है जैसे साइन बाय कॉस में तोड़ दे तब शायद कुछ काम आ जाए. अरे वो फॉर्मूला है क्या sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा थीटा इक्वल टू 0. अब नीचे का एलसीएम उधर फेंक दिया, यहां sin थीटा. अरे sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0. बताओ ये sin समथिंग इक्वल टू 0 मतलब समथिंग इक्वल टू n पाई. तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. आंसर ये आप सब मैसेज कर रहे हैं सर फिजिकल क्लास में आ सकते हैं, 12 वाले लोग का हो सारा अब समझ ना, 12 छोड़ के सब आ रहे हैं, 12 पे बहुत नाटक है, किसी को टेंशन नहीं है, 12 को टेंशन है, कोरोना हो. अरे आया समझ में? एन पाई प्लस माइनस वन होल टू द पावर एन इनटू अल्फा.
अच्छा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हुआ तो प्लस माइनस दो है ना। अच्छा अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हुआ तो अच्छा वही ठीक है कोई बात नहीं। और भी फॉर्मूले होते हैं और हाँ नहीं वो cosec quarter sec को नहीं माना जाता किसी में भी। मैं देखा हुआ कि कंपाउंड एंगल से उनका फॉर्मूला नहीं होता सिर्फ साइन कॉस टेन यही बेसिक माना जाता है। एक और जनरलाइजेशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर ऐसा हुआ तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। अरे दोनों तरफ टू लगा सकते हैं क्या तो बताओ टू साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला है क्या उनका माने वन माइनस जब भी बोला उल्टा ही बोला है। अबे टू लगा सकते हैं ना वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या वन माइनस कॉस टू अल्फा। अरे वन वन कटा ये इधर लेके जाएगा या वो इधर लेके जा माइनस भी काट दिया तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा कि कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू अल्फा इक्वल टू जीरो। अरे कॉस टी माइनस कॉस टी लग सकते हैं क्या तो क्या लिखा जाएगा टू साइन टू साइन क्या लिखा जाएगा थीटा प्लस अल्फा में डायरेक्ट लिखा साइन यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा इधर दिस इक्वल टू जीरो मतलब क्या थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई। अरे तुम समझ गए क्या थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई तो ध्यान से देख क्या अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू एन पाई नहीं होगा। मैं माइनस निकाल के उधर भेज के फिर ऐसा क्यों किया अपने फायदे के लिए अल्फा माइनस थीटा करता तो कंबाइन नहीं करता क्योंकि हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना माइनस तो भेज ही सकते उधर तो भेजेंगे तो बोलो थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे एन पाई माइनस अल्फा इधर क्या है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा बोलो दोनों को कंबाइन करके तो क्या होगा तुम्हें एकदम थीटा इक्वल टू एन पाई साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है ऐसे पहले बता साइन थीटा पता है क्या अबे स्क्वायर है ना तो नेगेटिव में वैल्यू छोड़ेगा क्या नीचे वाले पार्ट को ऊपर उठा दिया। अब देखो समझ में आया ये साइंस पर थीटा है अजीब बात सही बोला साइन में पास में सेम जोड़ दिया सेम कर दिया बोल सुपर फॉर्मूला है भगवान फॉर्मूला है क्या कोई क्या फॉर्मूला बोलते जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अगर इसका ए प्लस बी पार्ट को सोचे तो क्या ये साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा है स्टेप जंप किया तुम्हें समझना पड़ेगा अगर इसका ए प्लस बी पार्ट सोचे साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा है और ए माइनस बी पार्ट में सही है क्या ओके फिर मैं अलग से थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एन पाई थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई लोचाटो हुआ ना ये वुहान वायरस कोरोना वायरस लेके यूएसए तो सीधा धमकी दे रहा है चाइना को बर्बाद कर रहा है सीधा उसका 1 लाख आदमी मरा है मामूली बात है जबकि वो जान रहा है कि चाइना के चलते सब पूरा वर्ल्ड जान रहा है लेकिन चाइना के ऊपर बोलने का किसका हिम्मत नहीं है ना एक हिम्मत तो यूएस का ही है यूएस सीधा धमकी ल्यूकिन कॉफी बंद करो सर चाइना का 300 कंपनी यूएस में काम कर रहा था 300 कंपनी को एक बार में लाइसेंस कैंसिल डिलीट करके बैक टू चाइना एक बार में और जितना उसका एलाई कंट्रीज है ना लाइक एलाई मतलब सर ना फ्रेंड जो सबको बोला है ल्यूकिन कॉफी बैंड करो वरना तुम लोग देख लेना सब बैंड 3 दिन में 3 दिन लगा उसको बैंकरप्ट करने में 500 बिलियन डॉलर की कंपनी को 3 दिन में बैंकरप्ट कर दिया यूएस यूएस हो गया क्या आया आंसर क्या
अरे करते हैं थोड़ा सा 1 minus cos theta minus cos theta equals to 1 by 4 1 by 4 में जल्दी 4 minus 4 तुम्हें जल्दी नहीं लिखना 4 cos theta minus 4 cos theta minus 1 equal to 0 रणन सेलेट minus 4 cos square theta एक गलती करना equals to plus 3 equal to 0 4 cos square theta plus 4 cos theta minus 3 equal to 0 सही क्या मेरी टर्म होगा क्या ओके क्या होगा 6 और 2 plus 6 cos theta minus 2 cos theta minus 3 equal to 0 अपने इधर आएगा 2 cos theta bracket में आएगा 2 cos theta plus 3 minus 1 cos theta plus 3 equal to 0 आएगा cos theta equal to 1 by 2 और minus 3 by 2 ये तो अपने को ले नहीं सकते क्योंकि 1 से बड़ा है तो एक ही बचा cos theta equal to half बचा cos theta equal to half मतलब क्या cos theta equal to cos 60 अरे पाई बाय 3 हाफ होता है ना तो बताओ यहां पे आएगा थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 खत्म ये से मैंने लास्ट में जाके फार्मूला में गड़बड़ कर दी अरे तुमसे होना चाहिए हो गया कंट्री बिक जाएगा 10 साल 10 साल में बिक जाएगा इसी में बहुत गलत काम कर रहे हैं थ्री माइनस टू रूट थ्री टेन थीटा माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा क्रिकेटर को प्राइम मिनिस्टर बना यही होगा हो जाएगा क्या ये मिडिल टर्म तो हो जाएगा शायद थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री क्या दोनों वैल्यू ले सकते हैं दोनों वैल्यू से आंसर आएगा है ना भैया बता शिव टैन थीटा 1 बाय रूट 3 मतलब थीटा कितना 1 बाय रूट 3 कितना एंगल पे आता है या फिर बोलना पड़ेगा कितना होता है माइनस उठ थी ना तो किसमें भी लिख सकते हालांकि जनरल सॉल्यूशन अपने को भी लिख सकते अब ये देखिए यही पे हो गया दो आंसर कोई बंदा लिखेगा माइनस रूट थ्री तो माइनस फाइव बाई सिक्स और कोई लिखेगा टू फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री सॉरी आंसर इक्वल टू मैं लिखता हूँ टेन टू फाइव बाई थ्री तो थ्री टाइम इक्वल टू क्या आएगा एन बाई प्लस टू फाइव बाई देख कोई फॉर्मूला है क्या देखा देखा है साइन इक्वल टू प्लस कॉस साइन कौन सा फॉर्मूला है साइन ये टू टुगेदर भेज सकते हैं क्या अच्छा तो ये तो हो गया था साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू क्या साइन पाई बाई सिक्स ये कहां से लिख दिया अरे वो हाफ था ना हाफ तो साइन थर्टी होगा सही तो है ना तो साइन थर्टी इक्वल टू साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू क्या एन पाई प्लस माइनस वन होल टू दिवर एन इनटू पाई बाय सिक्स और वो पाई बाय थ्री को इधर भेजो तो क्या है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन होल टू दिवर एन इनटू पाई बाय